कुछ तो होना ही चाहिए। हमने बेवकूफों की तरह वो नकली राग जला दी। अब क्या करेंगे शिखर, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वहां पर दिव्य की जान खतरे में, ये दरवाजा नहीं खुल रहा, पूरी फैमिली बाहर है, ग्रहण निकला जा रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है शिखर, सब कुछ मेरे हाथ से छूट गया। मेरे को नहीं, मिस्टर शैगल, वो आप जानते हैं? कुछ नहीं जानना मुझे। तो उसने रोमी को तो नहीं देखा? ओह नो, सब गड़बड़ हो रहा है, सब गलत हो रहा है। रक्षित वही तो देख रही हूं, ये देखने के लिए तो इंतजार किया मैंने। उसका जाने का वक्त आ रहा है, ग्रहण का काला साया आने ही वाला है। लेकिन दिव्या, चिरिन, तुम कुछ भूल तो नहीं रही? क्या? ग्रहण शुरू होते तुम्हें दृष्टि को मारना है ना, तो दृष्टि को मारना तो उसको यहाँ लाना पड़ेगा ना। और तुमने डेवरी का दरवाजा भी तो सील पैक कर दिया, तो उसको यहाँ कैसे लाओगी? मुझे यहाँ दृष्टि को लाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ खुद आ जाएगी। जीजू को कैसे समझाएगी? देखती, बात बिगड़ी है, रिश्ता नहीं बिगड़ा, तो प्लीज इन सबसे ब्रेक ले लो और जीजू को सब कुछ सच सच बता दे। नहीं बता सकती। देखो, हमारे पास एक भी सेकंड एक्स्ट्रा नहीं है, ओके? उसे जो भी जीजू से बात करनी है, जो कुछ भी सॉर्ट आउट करना है, वो ग्रहण के बाद, हमारा काम हो जाने के बाद, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। मीना यहाँ पर दम घुट रहा है, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे जाना है यहाँ से। देवड़ी का दरवाजा सील, अब देवड़ी के अंदर कैसे जाए, कहाँ से जाए, क्या करे? शैगल सुनिए, तो मैं जानती हूँ आपने कहा था कि मैं सगाई में आऊँ, आपके साथ खड़ी रहूँ, मैं नहीं आ सकी, मैं नहीं, आई मीन मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, पर वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगी, आई प्रॉमिस। अरे लो, महिमा भाभी मिल गई आपकी वाली, और अक्षत तुम भी इसी के साथ हो, गीता जी हमारे घर के बड़े बेटा बहू। सो फाइनली तुम दोनों को साथ में देखा, अब जब सब मिल ही गए हैं तो चलो मिलके आरती करते हैं। वो क्या है ना, सगाई का फंक्शन थोड़ा सा डिले हो गया है, ग्रहण लगने वाला है, तो हम लोगों ने सोचा है कि घर के तीनों कपल्स के साथ पहले हम आरती निपटा लेते हैं, फिर जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद अगम और सिमरन की सगाई करवा देंगे, सब कुछ रस्म और रिवाज से होगा, फिर सब ठीक होगा ना। तो चलिए फिर डी शिखर और अगम सिमरन और फिर रक्षित और दृष्टि, हाँ जी, इन तीनों के साथ आरती शुरू करते हैं। वो एक्चुअली बात यह है कि हाँ हाँ महिमा भाभी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। महिमा भाभी प्लीज, इन लोगों के सामने नहीं, सिमी की सगाई है और इस वक्त हम रक्षित और दृष्टि को अलग करने की बात नहीं कर सकते, पहली पहली बार ये लोग घर पर आए हैं, तो आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज। हाँ, मेरे कहने का मतलब था कि ग्रहण लगने वाला है तो आरती जल्दी से कर लेते हैं। हाँ, और आरती तो सब करेंगे जी। चलो रक्षित, अपनी मिसेस पीए के साथ जल्दी से आ जाओ आरती करने।
को क्या नाम दे सकते हम लोग? Hashtag yes agman. No, ladies first. It should be hashtag simkham. Simkham? जी जो आपने तो पूरी लेडी ले ली. Simkham इसमें तो कुछ गर्ली है ही नहीं. या लेकिन आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी. अरे चलो सारे आरती करते हैं. सारे कपल्स आ जाओ. हाँ हाँ चलिए ना चलिए. महिमा भाभी आ गई. आरती आई मीन सिमरन की सगाई है तो टेक्निकली तो उन दोनों को पूजा करनी चाहिए. हम क्यों? क्यों मतलब मेरे साथ आरती करने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं रक्षित सर, मुझे लगा आप किसी और के साथ आरती करना चाहते हैं तो. अरे संधन जी बुला रही है आरती के लिए. तुम दोनों खड़े क्यों? चलो चलो चुपचाप क्यों खड़े हो? शुरू करते हैं. हाँ अरे चाची जी पर दी तो यहाँ पे है ही नहीं. कौन बोला? हो रहे चलो आ जाओ आरती करने. ये यहाँ कैसे? मुझे तो लगा ये ड्यूटी में. आज पूर्णमासी की रात है. आज पूरे चांद की पूरी चांदनी काली हो जाएगी. काल आएगा. ग्रहण बस शुरू होने वाला है. जिस कपल की शादी होने वाली है वो पहले आरती करे. आ दिव्याचनी नहीं बिच्छू है जो दिव्याचनी का रूप लेकर आया है. अब इसका रूप ही इसका रंग बाहर लेकर आएगा. अब हम छोटे से बड़े एज में जा ही रहे हैं तो अब इसके बाद शिखर और डी को आरती करनी चाहिए. हाँ चाची आपने बिल्कुल सही कहा. लाओ सिंगर मैं दे देती हूँ. लाओ. नहीं शिखर तुम रुको ना. तुम दिव्या का हाथ पकड़ो वो करेगी ना आरती. देवरी के दरवाजे को सील पैक कर देगी और फिर इसको तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है. एक बूंद. कितनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम दृष्टि? आरती गिर जाती तो दी को दो आरती. अभी मैंने क्या देखा? क्या देखा था वो मुझे? देवरी के दरवाजे को सील पैक कर देगी और फिर इसको तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है. एक बूंद. क्या वो आखिरी शब्द क्या था? किसी एक बूंद. मिसेस शेरगिल अब हमारी बारी है आरती की. इस देवरी के दरवाजे को सील पैक कर देगी और फिर इसको तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है. एक बूंद. दृष्टि दृष्टि आरती करो. दृष्टि पीछे क्यों जा रही हो? आरती क्यों नहीं कर रही? अरे क्या दृष्टि रक्षित ऐसे भाग के क्यों गए?
दी क्या हुआ? मैं जल्दी जा, दिव्या जी ने देवी का दरवाजा बासनी से बंद कर रखा है। तुझे कैसे पता? क्योंकि नीचे दिव्या की जगह बिच्छू है। मैंने जब उसका माथा छुआ तो मैंने देखा कि दिव्या जी कह रही थी उस सील दरवाजे को खोलने का एक ही रास्ता है। एक बूंद पता नहीं, एक बूंद क्या रोई, मैं कब से सोचने की कोशिश कर रही हूँ एक बूंद क्या हो सकता है। एक बूंद अगम और सिमरन, सगाई तुम दोनों की है ना, तो आरती भी तुम दोनों ही पूरी करो। आओ दी, जल्दी चल। अगर पिशाची ने असली शरीर बन गया तो दिव्या के शरीर से निकल कर वो अपने शरीर में चली जाएगी और फिर तुझे और दिव्या को मारकर वो सबसे शक्तिशाली बन जाएगी और तुम्हें वो रतन ले लेगी। उस राग को उसे शरीर बनने से रोकना होगा। तो जल्दी आ। यस, उसका जिस्म आ रहा है, उसका जिस्म आ रहा है। अभी पूरा चांद, पूरे चांद पे पूरा ग्रहण लग जाएगा और ये आ जाएगी। कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। क्या कर रही है? जल्दी चलना, ग्रहण होने वाला है। ईश्वर का सोचने दे। क्या सोचने? सोचने दे। भस्म उस देवरी के दरवाजे को सील पैक कर देगी और फिर इसको तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। एक बूंद खून। हाँ? एक बूंद खून, और किसका? कैसे सोचूं ये शिव जी, कैसे पता करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खून किसका? चांद का चेहरा पूरा काला होते ही ये चेहरा सामने आ जाएगा। मेरा खून? हाँ, दिव्याचनी मेरे खून की बात करेगी ना, और किसकी करेगी? रोमी, तेरे पास वो स्विस नाइफ है? देना। खंजर लाना तो भूल गई थी, और जो मैंने कहा था वो तो याद है ना? दी, 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 दरवाजा खुल रहा है, दी खुल रहा है। आओ, जल्दी आओ, तुम्हारे आने का इंतजार है। दृष्टि दी, रोमी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने क्या नहीं किया? मैंने दरवाजे को सील कर दिया, इतनी मेहनत की। फिर भी आप लोग कैसे आ गए? यही तो मैं चाहती थी। यही तो मैं चाहती थी। वो देख, वो देख, वो आ रही है। और ये देख, आज पूर्णमासी की भी रात है। पूर्णमासी की रात कयामत की रात होगी। होनी अनहोनी जो भी होगी, पूरे चांद की आधी रात को होगी। ग्रहण शुरू होने वाला है। इसी घड़ी के लिए तो जाल बिछाया था मैंने, और देखो तू खुद अपने पैरों से मेरे जाल में आ गई और मेरे जाल में फंस गई। तुझे क्या लगा कि तू शिकारी, मैं शिकार, वो भी उल्टा है, मैं शिकारी और तू शिकार। बलि भी तुम्हारी चढ़ेगी, अंत भी तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। क्या हुआ आज तेरा चेहरे का लाइट क्यों बोला? आज तेरा हेडलाइट भी नहीं चल रहा। तू से डर तो इतना बकबक करती रहती हूँ, पटापटा करती रहती हूँ, आज क्या हुआ? Why so confused, so blank? Shocked, right? जो जो तुमने प्लान किया था सब उल्टा पड़ गया। वो जो राख तू यहाँ से लेकर गई थी नकली थी। So sorry, दी। I'm sorry. आप क्या करें? ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। तुम यहाँ पे नहीं आई हो, तुम्हारी मौत यहाँ पे लाई है। Oh my God.
मेरी दृष्टि दी की मौत। आज मैं तुझे मार दूंगी और फिर तेरी देवी को भी मार दूंगी, फिर वो महान शक्तिशाली रत्न काल विजय रत्न मेरा हो जाएगा। मैं उस शरीर में वापस आ जाऊंगी, फिर मैं अमर हो जाऊंगी अपने ओरिजिनल फॉर्म में, और तुम दोनों मर जाओगी। तुम शायद भूल रही हो, मैं दिव्या नहीं, दिव्याक्षिणी हूँ। इसका मतलब समझ में आया? मैं समझाती हूँ, मुझे दिव्या से कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे होने से मचा है, और इसलिए मैं इसे राग से सचनी को वापस ला रही हूँ, क्योंकि अगर दिव्या को कुछ हो जाए मैं फिर भी जिंदा रहूंगी। मेरा जो नया शरीर बन रहा है मैं उसमें वापस चली जाऊंगी, और फिर तुम दोनों को मार के तुम दोनों के अंदर जो काल विजय रत्न का आधा आधा हिस्सा है वो भी मैं ले लूंगी, और फिर तीनों रत्न मेरे। सो बेबी, हार तुम्हारी है, मैं कभी नहीं मरूंगी, मेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। सो तुम अभी कितना भी प्लान, कितना भी क्या कर लो, कुछ प्लान काम नहीं करने वाला। अब तेरा सिर्फ एक ही प्लान काम करेगा, द एंड प्लान। तेरा जाने का टाइम तो आ गया। दी, सही कहा तूने, जाने का वक्त तो आ गया। अब मैं जाके भी कुछ नहीं कर सकती, मैं हार गई, मैं हार गई। कितना सुकून मिल रहा है मुझे सुन के। एक बार फिर से बोलना प्लीज। हार गई। ओह प्लीज रो मत, मुझे ये सब रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं, प्लीज अपने आंसू पोंछ ले प्लीज। अच्छा वेट, मैं करती हूँ। This is so bad. नहीं, ऐसे मरने से पहले मेरा दिल मत तोड़। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।